नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ये जो आपको ग्लूकोज वाली ड्रिप पाइप दिख रही है, इससे मैं आज आपको एक आइडिया बताऊंगा जो आपको गर्मी के मौसम में फायदा होगा इससे, और ये हम गार्डनिंग में यूज करेंगे। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। मैं दो दिन पहले किसी के साथ डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने क्या उनको जो ग्लूकोज है वो लगा दी थी। तो जब ग्लूकोज लग रही थी उस टाइम पे मैंने देखा कि जो इसका जो ड्रिप सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको इस पाइप को ही अपने गार्डन के जो पॉट्स है उन पॉट्स में यूज़ करें, इसलिए मैं इसको वहाँ से ले आया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको अपने पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल आइडिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक बॉटल और ये पाइप। ये पाइप आपको वैसे अगर आप नई लेना चाहो तो नई भी मिल जाएगी, या आपको जो यूज़ हुई है वो भी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए हम एक खाली बोतल लेंगे। दोस्तों खाली बोतल लेने के बाद ये देखिए, इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा नरम है, यहाँ पे हम एक छोटा सा होल कर लेंगे। और इसके लिए आप कोई भी तीखी चीज़ ले सकते हैं, मैं इसके लिए जो तिल्ली है ये यूज़ करूँगा। ये देखिए इसमें होल हो गया है। आप इसके अंदर जो कील होती है कील यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तीखी चीज़ से आप इसमें हल्का सा सुराख कर ले। सुराख करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ड्रिप वाली जो पाइप है इसकी इस चीज़ से ये ज़्यादा मोटी ना हो बल्कि थोड़ी पतली हो, यानी कि इससे थोड़ी सी पतली हो ताकि ये टाइटली हो और जो वाटर है वो लीक ना करे। ओके दोस्तों, ये हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद जो बोतल है इसके इस हिस्से पे आप सुराख कर दें एक या दो, या इसके अंदर सुई जो नीडल्स है वो मार दें दो तीन बार, यानी कि जो जैसे जैसे उस डॉक्टर ने किया था मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर ने किया था हम सेम वैसे ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो पाइप है ये लगा देते हैं। ये देखिए इसके अंदर हम इस पाइप को इस तरह से लगा देंगे। अगर ये होल आपका आपने ज़्यादा कर दिया तो वाटर जो है वो लीक हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये सिस्टम हमें करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारी जो पोर्ट है वो लेनी होगी जिसके अंदर हमें इसे वाटरिंग सिस्टम करना है शुरू। जो बोतल है वो हमने ऊपर रख दी है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बोतल ऊपर रखी है, बोतल ऊपर रखी है, और जो ये हिस्सा है ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसके बाद जो पाइप है वो नीचे आ रही है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें ये करना होगा कि जो इसका ये हिस्सा है ये हमें प्लांट जो है उसके यहाँ पे रखना होगा। मैं पहले आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो सिस्टम है इसको हम जितना ऊपर करेंगे ये जो वाटर है उतनी तेज आएगा। देखिए इसने जो ड्रॉप्स है वो डालनी शुरू कर दी है, और जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा ये और तेज होगा। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर जब डॉक्टर कर रहा था तब देखी थी, और उसी हिसाब से मैंने सोचा हम प्लांट में भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से तेज़ गर्मी हो उस दिन आप थोड़ा तेज़ कर जाएं इसको, और जिस दिन कम हो गर्मी तो आप इसको कम कर दें। अगर आपने प्लांट को वाटरिंग कर रखी है अच्छे से तो मिनिमम जो ड्रॉपिंग है वो सिस्टम कर दें, यानी कि ये सिस्टम रहने दें, यानी और उसके बाद क्या करें इसको सोइल में इस तरह से लगा दें और छोड़ दें। इसके बाद आपका जो प्लांट है ये ऑटोमेटिक वाटर को सोखता रहेगा। ये देखिए ये पूरी तेज भी आ जाएगी, और जब स्लो करनी हो तो इस बटन से हम स्लो कर सकते हैं, और बिल्कुल बंद करनी हो तो बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका फंडा क्या है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। एक्चुअली मैंने जब ये मैं घर लाने के बाद मैंने इसको चेक किया था कि इसमें क्या सिस्टम है। देखिए इसमें सिस्टम ये है, आपको जो ये पाइप दिख रही होगी जो ये नलकी है ये काफ़ी नरम है, और जो ये आपको व्हील दिख रहा है इस व्हील का इसके अंदर सिस्टम ऐसा है। ये देखिए आपको यहाँ पे डिजाइन दिख रहा होगा, यानी कि जो ये व्हील है जब ये नीचे की साइड रहता है तो ये बिल्कुल इस चीज़ से अटैच हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पाइप है हमारी ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसकी जो पाइप है जब ये व्हील बिल्कुल नीचे आ जाता है तो पाइप को बिल्कुल बंद कर देता है, यानी कि इस तरह से दबा देता है। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से दबा देता है
जिससे कि वाटरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। और जैसे हम व्हील को ऊपर करते हैं तो व्हील क्या है, इससे थोड़ी सी दूरी बढ़ाता जाता है और एंड में जाके बिल्कुल इसको छोड़ देता है। व्हील इसको जब बिल्कुल छोड़ देता है तो उससे वाटर जो है अच्छे से आने लगता है। तो ये इसका सिस्टम है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा और करेंगे तो और तेज़ हो जाएगी, थोड़ा और करेंगे और तेज़, और हमने इसको पूरा करने के बाद ये पूरा स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम है यह, आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, यानी कि हम हमारे प्लांट में लगा कर जा सकते हैं और फिर हमें प्लांट की कोई चिंता नहीं है, इजीली इसमें वाटरिंग होती रहेगी और जो प्लांट है हमारा गर्मियों में मरेगा नहीं, और ये काफ़ी ईजी मेथड है। ओके दोस्तों, जैसे डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल के अंदर इंजेक्शन लगा कर दवा ऐड कर देता है, वैसे हम भी इस बोतल के अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम 15 दिन में एक बार अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार हम इस बोतल में जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ तेज़ हो गई है और काफ़ी क्वेरीज भी आती है कि गर्मी के कारण उनके जो प्लांट्स है वो बर्न होने लग जाते हैं, जल जाते हैं, तो ये मेथड आप अपनाइए, इससे आपके प्लांट्स हेल्थी रहेंगे और आपको वाटरिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ड्रिप सिस्टम ऐसा है जो काफ़ी इजी भी है और कॉस्टली भी नहीं है। दोस्तों इससे हम काफ़ी और भी सिस्टम कर सकते हैं, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसका हम और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से। ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है और इससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ आ गए हैं और मैं बहुत जल्द इससे एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करूँगा मेरे प्लांटों के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।